राम राम। ये विचार है भाई, मैडम थोड़ी किससे दस का। अच्छा हाँ, ये ले मैडम ने कौन दिया? तो मैडम न थे ना, जितना पलटो भारी दिखने न जान लग गया तो ये मैडम कैसे थे हम तो को नहीं भाई, सीधी बात पड़ी है। तो चौधरी बंसीलाल को नाम तो इजिया वारिस थी है, डोगा ने उन परिस्थितियों में चार बार जिताई। अगर किरण या उसकी बेटी आ गई तो अनिरुद्ध चौधरी की हिम्मत को नहीं चुनाव लड़ने की शाम। मैं तो बीजेपी का इनका घेरा कर दो। अच्छा। लेकिन ई ब्याह आ गई तो इसके खिलाफ था। मैडम पहली चीज जाओ, मैडम तो आड़ा ना सर कर दिए का को ना मुआवजा मिला है खूब, खून का है को नहीं मिला है, मारे तो खूब बढ़िया तो बढ़िया मिले। नहीं, अग्निवीर जो जितना फौज में आप लग गया करता ना, उतना तो फौज में लखे इसे। खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों, सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल खोज हरियाणा के ऊपर। और लगातार सर्वे की सीरीज अपनी जारी है, लगातार जनता तक बुझण लग रहे हैं, जान लग रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा पर क्या फर्क पड़ेगा। मैडम जो है भाई भाजपा में चली गई, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सारी बात का अपने बेरा है। आलचोट की बात यह है कि भाई कैरो बेल्ट हल्का तो शाम के गाँव लल्लावास के अंदर मैं मौजूद हूँ और शाम का टाइम है, ठंडा मौसम हो रहा है, तो जो है चाचेताओं भाई बैठे हैं, शाम का टाइम है, एक बार शांतिपूर्वक सबके चेहरे दिखा दे भाई। इंतजारांगे बुझ जाएंगे कि लल्लावास का के रुझान रहा था लोकसभा चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में के कुछ प्रभाव पड़ेगा भाजपा का, कांग्रेस का और पार्टियां का। अंकल जी स्टार्ट कर लिया। राम राम अंकल जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? सुरजन। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव में क्या रिजल्ट रहा था आपके काम पे? बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा था, बीजेपी जिताई के बेची थी हमने। अब क्या लगा है विधानसभा चुनाव भी आ गया है सिर के ऊपर? बीजेपी ने जिताई कर रहा है हमने। अच्छा हाँ, तो फिर मैडम बीजेपी में चली गई? फिर बीजेपी में चली गई तो क्या बात है, स्वागत से बीजेपी में गई तो। अच्छा हाँ, तो फिर नू सुनिया जा है भाई, जो मैडम तो नाराज थे वो है मान लो बीजेपी में आए थे, मैडम आड़ ना गई तो इस बात का कोई प्रभाव कौन पड़ेगा? ना, कोई प्रभाव कौन पड़ेगा। अच्छा, तो फिर टिकट का दावेदार कौन मानो हम भाजपा तक, कौन बढ़िया का दावेदार? देखो तो पार्टी का काम है। तीन नाम अगर मैं लूँ जिस तरह भाई सचिन रंजन परमार हैं, अनिल शर्मा है, मैडम किरण चौधरी है, तो कौन सा ठीक रहा है? वो तो हाईकमान का काम है किसने टिकट दे है पार्टी, जो टिकट लेके आओगे उसके साथ हम। अच्छा, हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमने कैंडिडेट से कोई वास्ता नहीं है, हम पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी को समर्पित हैं। फूल का निशान देखोगे बात यह? हाँ, कमल का फूल खिलाना है हमने। क्यों किसान नाराज रहे हैं? किसान नाराज है बस, सब सब राजी हो जाएंगे। अच्छा हाँ, सब राजी हो जाएगा? सब राजी हो जाएगा। अच्छा, राम राम। राम राम। शुभ नाम बता दो। रमेश लल्लावास जी। तो के कुछ प्रभाव मानो हो लोकसभा का विधानसभा के ऊपर? नहीं, लोकसभा में भी भिवानी में तो जीते हैं जी, तो शाम में भी जीते हैं और हरियाणा ऑल और हरियाणा की देखा तो भारतीय जनता पार्टी बढ़िया पोजिशन में रही है। 44 सीट बीजेपी ने जीती है और 42 कांग्रेस ने जीती है, 43 और 3 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती है, टोटल 90 में। तो अभी हम बढ़िया पोजीशन में रहे, भारतीय जनता पार्टी बढ़िया बहुमत, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। तो शाम तक के जितने में जीते, 2019 में 37,000 वोटा जीते थे, कल 8,000 वोटा, 30,000 वोट खो गए। देखो, जो चुनाव में अफवाह उड़ा दी कुछ तो भ्रमित करने विपक्ष ने, दूसरा आमने सामने का मुकाबला था, पहले थोड़ा बहुत दूसरा, पिछली बार JJP भी चुनाव लड़ रही थी, इनेलो भी लड़ रही थी, थोड़ा मोटा वो अंतर था उसका, और फिर भी जिस तरह अफवाह भाई संविधान बदल देगा, आरक्षण तोड़ देगा, मतलब झूठी अफवाह जिसका स्पष्ट कोई भी आज तक उसमें स्पष्ट लिख रखा है अपने संविधान में, कोई भी मूल संविधान का मूल प्रारूप से छेड़छाड़ नहीं कर सकता संविधान का। फैमिली IDC बना दी, लेना लग रहे हैं लोग ना, एक आधी जो त्रुटी है वह ठीक कर रहे हैं, बाकी फैमिली आईडी तो 60 साल का ओंधी पेंशन भी करना बन के आया है, 1,80,000 थे जिसकी इनकम कम से, उसका कारण भी अपना बन के वो लाइन में लग के रह कर दा, वो कोई थोड़ी मोटी कमी से उसने ठीक कर जाए उसमें। अपना अपना हल्का तो जो है ना फौज और पुलिस खान देखा करता, जमींदार का बालक वो भी 7 साल की, 5 साल की, 4 साल की कर दिया। अग्निवीर नहीं, अग्निवीर जो जितना फौज में आप लग गया करता ना, उतना तो फौज में रखे इसे, वो 4 साल पाछे, वो ना 4 साल पाछे नहीं, उतना तो रखा जाएगा हमारे, ये तो अग्निवीर में भर्ती ज़्यादा होंगी और जो 4 साल को तो अग्निवीर को, लेकिन उसमें स्पष्ट है कि भाई जितना फौज ने जरूरत से उतना तो रहें रहेगा। और दूसरी बात, हरियाणा सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी, अन्य जो सुरक्षा बल से उनमें भी आरक्षण दिए हुए थे, प्राथमिकता मिलेगी उन्हें। राम राम जी। राम राम जी। ये नाम है? राजेंद्र जी। आपका क्या मानना है कि विचार रखो तो शाम हल्का राजनीति के इस बार भाई तो शाम तो ये चल लिया हो सही, ठीक किया हो बढ़िया से, तो आठ का निशाना एक बार जीता है
वोट जिसके पड़ेंगे वो तो जीतेगा। तो जो किसान नाराज है कितना प्रभाव गिरेंगे चुनाव में? मारे तो किसान तो सही को नहीं, बाहर का मन देखो बेरा को नहीं, ना किसान को नहीं, ये बेचारा गरीब ब्राह्मण से ये कोई नाराजगी को नहीं दिखा रहा, सरकार तो भी कोई नाराजगी को नहीं महसूस हो रही, हमने तो दिखा को नहीं भाई। अच्छा अच्छा तो सिस्टम तो बढ़िया सर, ये घोषणा कर रखी थी इनका लाभ मिले न, जिद पब्लिक में कोई संदेश पहुँचा घोषणा अखबारा में दिए तो के राम राम जी। के नाम है? जगदीश। आपका क्या मानना है भाई? बीजेपी। कारण? कारण क्यों था? बढ़िया बढ़िया सरकार है, इस तो बढ़िया सरकार आई है कौन है? तो सब क्या है रेट बढ़ा दिए 2022 ताई आए दुगुनी करे थे, वह भी कोई बेशक बढ़ा दो चाहे डबल कर दो, हम तो बीजेपी नेता वांगे भाई, और बढ़ा दो चाहे। मुआवजा भी मिलता नहीं ना? मुआवजा मिला है खूब, कौन का है कौन मिला है? मारा तो खूब बढ़िया तो बढ़िया मिला है, भी करो बेल्ट कर रहे है 2023 ना ना सारा मिलेगा धीरे धीरे, और आ जाएगा जो रह रहा है वो भी आओगा। अच्छा अच्छा, राम राम भाई। राम राम भाई। के नाम है? नरेश कुमार। नरेश भाई अपना क्या मानना है? मन बढ़िया है, सरकार बढ़िया है, घर बैठे लोग राशन कार्ड बनने हैं, घर बैठे पेंशन मिलनी बुढ़ों की, क्या जरूरत है घूमने की, पहले लोग घूमते थे चक्कर काटते थे। तो फिर जो है वो फायदा तो कौन मिलता सकी में, तो बहुत आम है सरकार घोषणा बहुत करे लेकिन फायदा तो कौन मिलता दरअसल? फायदा मिलता है, थोड़ा लेट सवेर हो जाता है, कोई जरूरी थोड़ी हाथ की हाथ का मंडी पहले ऑनलाइन करवा ली, मंडी फसल गेरी उसके दो दो रहे भी ना पचे पीछे आए हैं, तो वो जमींदार ने जोड़ तो उस टाइम पर भाई मंडी में मैं फसल गिर के आता है, मेरे पीछे आए एक हफ्ता मांगी थे। अच्छा, एक हफ्ता पेमेंट हो गई थी, मंडी में मैं फसल गिर के आता, किसान मैं भी हूँ। नमस्कार जी। शुभ नाम? शुभ नाम मनोज शर्मा जी। जी तो पंडित जी आपका क्या मानना है? मानना जी मार तो बीजेपी का ही चला है, बढ़िया सरकार से बढ़िया सिस्टम जम रहा है। तो क्यों मन न भारी है यार? हाँ जी, मन मन ने क्यों भारी है दिल में? मारे तो बीजेपी न्यू है जी, काम बढ़िया कर रही है, सब हर कोई भी मतलब काम कर रहे हैं बीजेपी ने, सारा सॉलिड बढ़िया काम कर रहा है। अच्छा। हाँ जी, बेराना नुक है, लोग परेशान है कमेरा और किसान तो खास तौर पे ना, खास तौर पे कोई परेशान को नहीं जी, किसान तो न्यू मानो भाई आए तो दुगनी चाहूँ हूँ, लेकिन एक बार बोल ली है सरकार ने, लेकिन एकदम तो कोनी हो, धीरे धीरे सरकार करेगी ये काम। 15-15 लाख भी कोनी आए खाते में? वह तो जी ये तो न्यू कोई कौन दे 15-15 लाख रुपया तो कोई कौन दे। भाजपा मजबूत कैंडिडेट कौन मानो होगा भाई? मैडम किरण चौधरी है, अनिल शर्मा है, कृष्ण चंद्र परमार है, बीजेपी तो जो भी आओगा जी मार तो मैन वो कैंडिडेट है। अच्छा। हाँ जी, बीजेपी का ऐसे मारे कमल का फूल देखोगे बात यार। हाँ जी, छतवीर तेरा ये छप्पे पड़ ला रे, खा गए माल ने सारे ने, सारे पहाड़ की कमाई ने खा गए। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, उनका नहीं कोई कोई देखे, मीडिया वाले नहीं, फिर बीजेपी 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 सब कुछ अच्छा कर रही है। हाँ तो फिर ये छापे मारना रे और पलटे तो पकड़ ले जा, पड़ा फोन मारे आप आया मेरे बाप मारे से, आप आया मेरे कोई मारे हैं, आप आया मेरे मारे से। हाँ भाई, हाँ मनोहरलाल खट्टर सब कुछ देकर चला गया भाई, पकड़ी किसने? वो तो अपनी पैतृक संपत्ति भी दे गया। तो फिर नाम तो और भी हैं, चेहरे और भी, नेता और भी हैं बीजेपी में, और जो आओगा पकड़ा जाएगा, जो गलत कराया हो तो पकड़ा जाएगा। बेराना नुक है, इसी वाशिंग मशीन ला रहे हैं कि वो उसमें का दूसरी पार्टी का नेता उसमें काट दे हैं, साफ कर दिए हैं ना ना, वाशिंग मशीन में जो मैला होगा वो ही धुलेगा। अच्छा, राम राम भाई। क्या नाम है? रोहतास भाई। तो फिर लोकसभा में तो धर्मेंद्र सिंह जीत के लिखा तो सामने ही केला का विधानसभा चुनाव में भाई, विधानसभा में मैं तो वोट करूँ, कोई पहले कोई करूँ नहीं, कोई करूँ कारण बीजेपी को करूँ को नहीं, बात भी हुई होगी ना, बात हो रही हम तो इनके खिलाफ सब आई मोदी तेरे इनते बीजेपी वाले थे। हाँ, ये नाराजगी है, सारी नाराजगी है कि मैं को करें के दियो, हमने जमींदार कितना मरवा दिया, मरवा ने किसान। अच्छा, तेरा भी नहीं उड़ा जो था उसमें जा रहे थे क्या भाई? मैं ना कहता हूँ मेरा भाई गया, भाई तो अपना है, तो मैडम भी चली गई बीजेपी में, मैडम पहले चली जाओ, मैडम तो नाश कर दी हल्का को, कारण कारण पहले दो बढ़ दिया है मिले, तो बोले मेरे चल रहा कौन, मेरे चल रहा कौन, हल्को गल न गयो, आ रही है बीजेपी में चली गई, इसको के हो सको है वो को नहीं। राम राम। राम राम सूरजवान। अच्छा, तो आप भी तीन को थे के खिलाफ सा भाई? खिलाफ की बात यह है, देख मैं कांग्रेस का वोट इतना ही गिरा को नहीं, मैं तो बीजेपी का इनका गिरा कर दो। अच्छा। लेकिन ई भी आ गई तो इसका खिलाफ था। अच्छा। हाँ, तो मैडम के खिलाफ हो? मैडम के खिलाफ था बिल्कुल भी, चले चाहे वो पार्टी देखो कोई गिरना पड़ेगा तो आप कई बात। तो फिर इनकी जगह किसी और ने टिकट मिला तो?
ये और नहीं मिला ही तो देंगा। अरे ये ठक करने को जो थी ना हम तो नदी सही ऊपर है परमार ने बिचारा खबात करा की आन टिकर जवाओ भाई परमार ने खबात करा के जान रहा सर रोजाना काम में और मैं एक दिन थाली को रहना है रोजाना हम तो उसका खास आदमी हमने टिकट बोर्ड देंगे उसका आधा हमको मदद होगी उसकी मदद कराँगा। अनिल शर्मा दो जने अनिल शर्मा भी देखो काम तो सेवा करा है लोगों की बहुत करा है एल सेल को चुनाव सर को ऊपर है के विचार है हल्का तो सामने कोई कांडिडेट ही नहीं अभी तो कौन सी पार्टी कांग्रेस से अनिरुद्ध चौधरी टिकट मांगना दा रहे हैं अनिता मलिक टिकट मांगना दा रहे हैं कमल प्रधान टिकट मांग रहे हैं। देखो अनिरुद्ध चौधरी टिकट मांगे से हैं अगर किरण या उसकी बेटी आ गई तो अनिरुद्ध चौधरी की हिम्मत को नहीं चुनाव लड़न की शाम कारण यो बारिश है मारा हल्का गोलागढ़ के हैं भी तो गोलागढ़ को मारा गांव से घर से सारी उम्र गोलागढ़ यान वोट दिया से हैं लेकिन यो बारी को टाइटल से इसका है। अच्छा भाई तो शाम हल्का है किसी मानस में 100 मानसा नाम गिन जो तो शाम हल्का मैं गोलागढ़ में छोड़ के यहाँ मान जाऊँ। अच्छा हाँ बात ये है मैडम कौन खिलास है ना ना कम में कौन ही कम में कौन पड़ा भाई साहब। अच्छा हाँ वोट ही नहीं है क्यों लोगों में नाराजगी है नाराजगी करड़ी उरस भाजगी उस दिन होगी नाराजगी। अच्छा हाँ नहीं पर कांग्रेस खड़ा कोई ना भाजपा भाई इसको खुट्टो थो मजबूत चौधरी बंसीलाल को नाम थो इजिया वारिस थी हैं लोगों ने उन परिस्थितियों में 4 बार जिताई हैं जो कि जीतने वाली परिस्थिति नहीं थी या तो बाजगी हम कर जावा बात तो ये। हाँ जी नमस्कार नमस्कार क्या नाम है मंगेराम नाम है जी अर्थ हो हाँ लालावास से जी आपका क्या विचार है ये दोनों का भाई विचार न्यू है ये 5-6 खड़े हो रहे हैं जी और मैडम उरा के गढ़ तो शाम की गढ़ थी या और इसने मड़ा के भेजा करता ये आपके जगह छोड़ गई तो हम भी छोड़िए भाई। अच्छा सीधी बात पड़ी है। अच्छा 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 हाँ ये आपके जो कदे इन गुड़गी कदे भाजपा में मिला है कदे कांग्रेस में मिला है तो भाई यो तो इन्ना तीन जिन पलटो भारी दिखने इन्ना जान लग गया तो मैडम का स्थिति हमी तो कौन है भाई सीधी बात पड़ी है। तो कांग्रेस से मजबूत दावेदार कौन है किसके कांग्रेस से मजबूत दावेदार तो किसने टिकट मिला है अनिल शर्मा ने मिला है रविंद्र शर्मा ने मिला है कब उस ठाकर साहब ने मिला है किसी ने मिला है लेकिन आवेगा ने जो टिकट उड़द लेके ना जिद नहीं बतावा भाई किसको पलटो भारी है। अच्छा अच्छा टिकट को दावेदार तो कौन की मणि बको ये तो सारा 20 खड़े है मेरे वर्गा बताओ किसी ने मनावा सुनीता मलिक अनिता मलिक अनिता मलिक। अच्छा हाँ ताजा ताजा बीजेपी ने छोड़ के आई से है हरदम खूब टकराव तो आई से है और एक एक बात स्पष्ट करके चल रहा है फिलहाल तो अगर इनसे बेहतर रह गया और कैंडिडेटों से बेहतर रहेगी अनिता मलिक। राम 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 भाई नाम है भाई नाम तो सूरजमल से फिर मैं तो हाड़ा का ना वोटर है कौन सा काम के हो बोनखेड़ा अलका बोनखेड़ा फिर उड़े पूछ लेंगे उड़ा के अर्थ है तारा भी टिकट मांगनी है कांग्रेस से ही बता रहे हैं भाई सही बताऊं मैं बोनखेड़ा ई बताएं बोनखेड़ा में कोई रुझान निशान नहीं है किस किस तरफ कोई बात करता हो। अच्छा चाहे वो वाल्मीकि हो चाहे भाई वो फौजी हो रामकृष्ण फौजी होश कर कौन कौन नया कैंडिडेट है कोई बढ़िया मिल गया ना तो रुझान बनेगा उसका नहीं कोई नया कैंडिडेट बन गया तो ताले नई कैंडिडेट आ तो ईडी की रेड पड़ गई गेल सी जिकरा सुने हमने बजट से तुम्हें प्रतिरस सब स्वार्थी बंदे हो ऐसे मतलब ये बात से फिर ये बात भी बदल भाई ये बात भी बदल लगे थोड़ा स्वार्थी बदल भी होना क्यों उनकी इन शिकायत ये सब ने हाँ फिर बाकी दूसरी संभावना को नहीं क्यों ये हल्का पड़ा परेशान काम माहौल हो गया कि भाजपा का जज्बा जो उसने रुतबा जो उसने बनता ही दिक्कत आ गई क्यों हल्का तो पाट दिया ना पहले कई साल हो गए तो सारा एरिया पर लड़ दीजिए वो तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल तो कोई ना कोई इसने वाल्मीकि ने तो वोट कौन थी कल कोई नया चेहरा आ गया ना ठीक रंग का वो भी हमारे एरिए का तो पर्ची देश का। अच्छा क्यों ज्यादातर पर्ची ठाकरा इसी साइड में राम राम जी राम राम आप वाले और बता दो मन की के विचार भाई के बताऊं ये बताऊं इन नगर क्षेत्र में हां इन नगर क्षेत्र में किसका है ये यो गांव बताओ ला रे और के नहरी बताऊं भाई तो गांव तो ये भी है तो अंगल जी ने बीजेपी ने पर्ची देंगे वो नाते हमारे बीजेपी ने रुख तो सा को नीब का। अच्छा मन में को नीब का जमाए के कारण कारण बस ये बाजा दौड़ी आलो है हमारी जगह पर सा तो वो आपकी जगह खोगी
मेरो तो मन से ये नीता मलिक पर। अच्छा मेरी बताऊं मैं तो गाम को रोर को मन बेरो बोली भाई बढ़िया छवि है और बढ़िया हंडी से गाम में हंडी से लोग काम भी कराया है। चेयरमैन है। हाँ चेयरमैन है खूब काम करे हमारा गाम खूब बढ़िया बढ़िया करे है। चंदावास से और लालावास की जो सड़क है वह हमारा नीता मलिक ने बनाई काम लाग रहे हो मौके ऊपर नहीं कोई मानस जाम सब तो छिक लिया था हम कह कह सीएम ताई पूछा अनिता मलिक का हिसाब ही भी। अच्छा हाँ के बाद बीजेपी की सरकार ऊपर तीर्थ लोग दोनों का तीसरे पर बीजेपी आओगी बीजेपी आओगी थर्ड एम दावा होगी तो आवेगी के दो थर्ड एम दावा होगी तो आवेगी। अच्छा बिना वोट के लिए आवेगी तो आवेगी फिर चंदे को नहीं आना ना कोई कौन सा मैडम आगे जीत कौन सा भाई ये आड़न आले ही ना चले ना पहले नाराज हो रहे थे जैसे ही फिर वो और ऊपर के मैडम तो फिर धर्मवीर जीत के लिए खड़े हैं आड़ जाते हैं अनु जो लकड़े से बस पर देखो भाई बात न्यू है धर्मवीर लिखड़ गयो और धर्मवीर आपके ठिकाना पर खड़े हो तो मजबूत और मैडम ने या आपके जगह बदलने से मारा विचार बदल गया सारा। अच्छा हाँ ये हम तो मारा हल्का न्यू लगा लिया चेयरमैन मणि है नीता मलिक इसने मारा काम न्यू लगा लियो कि बहुत सा जो चाय है ना हमें मैन सार्वजनिक काम वो हमारा गांव के भी करे से आपस में लिंक जिस तरह जोड़े हैं चंदावास थे लालावास रोड के कोर कोर के पानी के नलका के और कहें के तो इसने हमारा काम करे है लेकिन हमारा गाँव चाव है इसने सारा। देखो जी बात यह हम तो सदा कांग्रेसी थे। अच्छा और कांग्रेस से ही समर्थन रहा हमारा जी कोई पार्टी छोड़ के जाओ कोई पार्टी आओ कैंडिडेट कोई भी आओ हमें मतलब है पार्टी से फिर नो तो लगता हो भाइयों आ जाए तो जीत जाएगा वो तो पार्टी किसको टिकट दे है पार्टी भी तो अनजान को नहीं कोई बुत्ता होगा जो उससे नहीं टिकट देगी तो अपने जो किसान हो मांग करे हैं कि भाई हल्का का होना चाहिए हल्का का होना चाहिए सही बात है जितने मांग करने लग रहे हैं सारे हल्के के नायक भी तो नहीं कहा वही मांगा है नहीं अनिता मलिक मांग करे कांग्रेस में ज्वाइन करी है अनुरोध चौधरी बंसीलाल परिवार से है नहीं जी गोलागढ़ में मारा तो संपर्क गोलागढ़ डाला रहा है हमेशा हमने तो जब से ये संपर्क जोड़ा है तब से ही गोलागढ़ परिवार से संपर्क है तो मैडम का भाजपा में जाने तो क्या लगा किसका नुकसान किसका फायदा वो तो क्या बताओ अजीब मैडम आने से शशि रंजन परमार को नुकसान है हैं और यार ले बैठे की सारा वह बात से इस तरह ही चाली सा से ले बैठे की सारा वह बनाएगी इनमें चंदन परमान तो बड़ी आदमी को नहीं भाई मारा हल्कम इस तो बड़ी आदमी को हाँ मेहनत बढ़िया बतलावनो हर आदमी से बढ़िया संपर्क सब तो बढ़िया संपर्क शशि रंजन परमार सबसे जीतते तो शशि रंजन परमार की वजह जीतते ना कहें कौन जीतते यार ले बीजेपी कौन भाई आप आम पार्टी ने आम आदमी पार्टी केजरीवाल केजरीवाल कारण नई नई जगह है कई से देखिए देखिए ऐसा है भाई साहब जी ये तो कैंडिडेट आऊंगे कैंडिडेट तो मैं बता दूसरी बात न मनने पेरो है हाँ, और दूसरी बात यह है आम पार्टी ने वोट देंगे। अच्छा केजरीवाल ये बीजेपी फलानी दिकड़ी और ये को फंड को नहीं इनको को सारी विचार विचार की देख ली। अच्छा और इसमें दर्शक होनी वो उसने ले जा वो उसने बाज जा वो उसने बाज जा वो उसने किम्मी को नहीं जनित का जो कार्य है वो जो दिल्ली में कराया है जो वह कार्य अगर हरियाणा में हूँ से तो क्लियर है आम पार्टी है और क्या है कैंडिडेट क्या है पार्टी की है जो काम करने वाला बंदा है वो मैडम का सवाल नहीं है न किसी अनिता मलिक या कोई नरेंद्र फलाना ये काम करने वाला बंदा चाहिए क्लियर बात है। चलो तो भाई जो है लालावास के अंदर अभी मौजूद थे और एक बार शांतिपूर्वक फिर सबके चेहरे दिखा दे भाई और जो है अपनी अपनी विचारधारा धरी और जो सब तो खास बात बन लागे जितना भी तो शाम हल्कम घूमया हूँ तो आम आदमी पार्टी के समर्थक जो है लालावास में मिले भाई और यह भी एक अच्छी बात है कि नई पार्टी के जो हरियाणा में अपना जनाधार बढ़ा रही है और लोकसभा चुनाव में भी जो तीसरे नंबर पर जो पार्टी रही आम आदमी पार्टी तो
उसका जनाधार बदलना है, कांग्रेस वाले की बताई, बीजेपी वाले अपनी बताई भाई, और मैडम का आणते कांग्रेस छोड़ने तक कितना प्रभाव पड़ेगा आपको मैडम उसमें बता दिए। वीडियो शेयर कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए, सारे दर्शक चाचे भाई भाई माओ ने। राम राम जी, राम राम जी, राम राम।